पानी बराबर फंक्शन करो। यहाँ पर प्रदर्शन डीसी हॉस्पिटल, डीसी हॉस्पिटल सामान 24 आवर फंक्शनल करो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा को 24 आवर फंक्शनल करो, सीएमओ सांबा मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा मुर्दाबाद, सीएमओ सांबा मुर्दाबाद, लगातार हम आपको यहाँ के लाइव तस्वीरें समय बता रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा मुर्दाबाद, ऑपरेशन थिएटर को 24 आवर फंक्शनल करो, डॉक्टरों को जो भी चल अवेलेबल करो। ने सांबा से यहां आकर धरना प्रदर्शन किया, क्या मांग है आपकी? देखिए कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए हम जम्मू आते हैं। सांबा का कोई ऑफिसर हमारी बातें सुनकर राजी नहीं है, हम इलेक्टेड सरपंचीज हैं और सांबा से उठकर जम्मू में यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही सवाल हमारे सीएमओ से, हमारे डीसी साहब से और अब हम डायरेक्टर हेल्थ के पास जा रहे हैं उनसे कि अगर सांबा में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तीन तीन दो दो अवेलेबल हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 24 आवर फंक्शनल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों इसको रेफरल हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, क्यों वहाँ पे 4 बजे के बाद डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं रली मिली भगत इन सभी ऑफिसर की लग रही है, वहाँ से छुट्टी करके यहाँ पे प्राइवेट कहीं ना कहीं ये बैठ रहे हैं और ये सारा जो क्रम है सांबा हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मशीन्स अवेलेबल हैं, सीटी स्कैन मशीन अवेलेबल है, हमारे एक्सरे की मशीन अवेलेबल है, 15 दिन से एक्सरे मशीन बंद है लेकिन उसको रिपेयर नहीं करवाया जा रहा, सीटी स्कैन मशीन का ऑपरेटर नहीं है, फंक्शनल नहीं है। इसी के साथ में जो 108 एम्बुलेंस मिली है, एक एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट सांबा को मिली है, जो अभी भी अगर इमरजेंसी में कोई केस आते हैं जहां वो आपको गगवाल से मिलेगी, जहां आपको वो बीजेपुर से रेफर करेंगे, वहां पे हमारे एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होती। हमारी एलजी साहब से और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि सांबा के हॉस्पिटल को 24 फंक्शनल किया जाए। बहुत बड़ा सराउंडिंग एरिया है, 4 ब्लॉक सांबा, सुंब, नड, गगवाल, 3 लाख पॉपुलेशन जिसको है वो हैंडल कर रहे हैं। बहुत सा बटन है उस हॉस्पिटल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज दी जाए, सारे जो डॉक्टर हैं वो अवेलेबल हो ताकि हमारे लोगों को परेशान ना होना पड़े और सांबा को छोड़कर जम्मू आना पड़े। पिछले दिनों अश्विनी चौबे हमारे सेंट्रल मिनिस्टर आए थे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों में भेजे थे, हमने उन्हें भी मेमोरेंडम दिया था। इसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे स्टाफ की कमी के चलते हुए लोगों को बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम लोगों के बारे में सोचा जाए, हमारे लोगों को सहूलियत दी जाए ताकि हम लोग जो है चैन की सांस ले सकें, क्योंकि जब भी कोई रात को हमारे वहाँ पे केस आता है जट से उसे उठाकर जम्मू में रेफर कर दिया जाता है। पहले भी आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी गुहार लगाई थी अपनी परेशानी को लेकर। हमने बीएमओ, सीएमओ, डीसी साहब, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर आए थे, वो एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इन सब तक हमने अपनी जो दिक्कत परेशानियां हैं कई बार मेमोरेंडम देख के रिटर्न में इनके पास की है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं हो पा रहा। अगर ये हल नहीं होता है तो हमें मजबूरन होकर सांबा में मरण वर्त में बैठना पड़ेगा। अपने लोगों ने हमें चुना है, हम वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमारे लोगों के साथ अगर ये सब कुछ होगा तो हम इसलिए सभी इकट्ठे होकर मरण वर्त में बैठेंगे और इसका सारा जिम्मेदार हेल्थ डिपार्टमेंट होगा।